चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। आपको बता दूं कि LLM परीक्षा 28 से चौधरी चरण विश्वविद्यालय की ओर से LLM प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है। परीक्षा 28 फरवरी को शुरू होगी। अभी तक की तमाम कॉलेजों में प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका है। ऐसे से समय से परीक्षा कराने के लिए CCSU ने कॉलेजों को जल्द से जल्द प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूरा कराने को कहा है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार जहां भी LLM का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, वह अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर सैद्धांतिक परीक्षाओं के पूर्व अपना पाठ्यक्रम जरूर पूरा करा ले। समय से पाठ्यक्रम पूरा न होने पर छात्रों को परेशानी होगी। उसके साथ ही BBA MBA की परीक्षाएं अब 11 से चौधरी चरण विद्यालय परिसर में संचालित MBA HA और MBA H इंटीग्रेटेड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर और BA BBA HA की प्रथम तृतीय व पांचवें सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक पेपर परीक्षाएं सोमवार 6 फरवरी से शुरू होनी थी, जिसे अप्रिय कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षार्थियों का आयोजन अब 11 फरवरी से होगा। इस बाबत परीक्षा कार्यक्रम भी अलग से जारी होगा। विश्वविद्यालय की ओर से जानकारी सोमवार को ही वेबसाइट पर जारी की गई है। इससे सभी छात्रों तक यह सूचना समय से नहीं मिल सकी, जिसे परीक्षार्थी केंद्रों पर भी पहुंच गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही रिवाइज डेट शीट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको बता दूं कि फिक्स हो गई है फीस, जो 535 रुपये जो एडेड कॉलेज और जो संबंधित कॉलेज प्राइवेट छात्रों से ले रहे थे उनकी फीस कॉलेज विश्वविद्यालय के द्वारा अब जो है फिक्स कर दी गई है कि 535 रुपये ही सभी कॉलेज इसका शुल्क लिया जाएगा। इससे अतिरिक्त कोई शुल्क लेते हैं तो इस पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही आपको बता दूं कि जल्द ही शुरू होगे BEd एंट्रेंस परीक्षा फॉर्म 17 जुलाई में। आपको बता दूं कि प्रदेश भर के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में BEd सत्र 2023 और 25 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। 10 फरवरी से प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन खुलने की उम्मीद है। परीक्षा का जिम्मा इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के पास है। 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा सत्र। 2020 और 21 में 2 वर्ष कोरोना के चलते BEd सत्र की शुरुआत देरी से हुई, लेकिन इस साल यह निर्धारित समय 1 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार यदि आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा हुई तो 25-30 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। 1 से 25 जून तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रस्तावित है। नए सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। तो जैसे ही BEd के एंट्रेंस फॉर्म आ जाते हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लाइक करें, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चैनल पर नए और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलता है लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।